हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए तीन ऐसा टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप यूज करके अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं और मोबाइल में फालतू के स्टोरेज फुल होने से भी बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो ट्रिक आप अपने मोबाइल में अपनाएंगे उससे आपका मोबाइल बहुत अच्छे से चलने लगेगा और बहुत फास्ट चलने लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको बताएंगे हम किन तीन टिप्स ट्रिक को यूज करके अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं और मोबाइल को फास्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने मोबाइल के सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। उसके बाद यहां पर ऐप्स है, हम ऐप्स पर क्लिक करेंगे। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज ऐप्स है, हम ऐप्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन इंस्टॉल का ऑप्शन एक यहां पर दिया गया है, हम इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद दोस्तों, आपका मोबाइल में जितना भी ऐप्स आप इंस्टॉल किए हैं वो सारा ऐप्स यहां पर प्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, आपके मोबाइल में जितना भी फालतू का जिस ऐप का आपको काम नहीं है, जिस ऐप को यूज नहीं करते हैं, उस सारे ऐप को आप अन इंस्टॉल कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका मोबाइल का स्टोरेज जो है वो खाली होगा, उससे भी आपका मोबाइल फास्ट चलने लगेगा। आपका स्टोरेज खाली होगा और आपका जो मोबाइल में ज़्यादा ऐप्स का स्टोरेज है और ज़्यादा ऐप होने की वजह से भी मोबाइल स्लो चलता है। तो आपका जो जितना भी फालतू का ऐप है मोबाइल में, वो सब को आप अन इंस्टॉल कर दीजिए। आप अन इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो जब हम यहाँ पर अन इंस्टॉल पर सिलेक्ट किए थे, उससे आप फिर से यहाँ पर ऐप को सिलेक्ट कीजिए। जिस ऐप को आप अन इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ऐप को सिलेक्ट कीजिए। फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ एक ऐप को अन इंस्टॉल करना है, क्योंकि मेरे मोबाइल में सारे ऐप जो है वो मेरे लिए यूज़फुल है, इसीलिए हम और ऐप को अन इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ऐप जो है वो अन यूजफुल है मेरे लिए, इसीलिए हम उस ऐप को अन इंस्टॉल करेंगे। उसके सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अन इंस्टॉल कर देंगे। अन इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा मोबाइल है वो कुछ ज़्यादा फास्ट चलने लगेगा। उसके बाद दो नंबर पे जो टिप्स ट्रिक है वो भी ऐप्स के रिलेटेड ही है। हम यहाँ पर फिर से मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारे यहाँ पर सारा के सारा ऐप्स हमारे मोबाइल में प्रेजेंट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो यहाँ पर ऐप्स ओपन हो रहा है, हम हर ऐप्स पर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं क्लियर डाटा लिखा है, हमें यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक है क्लियर ऑल डाटा, एक है क्लियर चेक। हमें यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिलीट ऑल डाटा, इस पर कर देंगे ओके। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, हम जो हर ऐप को यूज़ करते हैं, किसी भी ऐप को जब यूज़ करते हैं, उसका कुछ ना कुछ स्टोरेज हमारे मोबाइल में सेव हो जाता है, जिससे हमारा मोबाइल का स्टोरेज जो है वो फुल होने लगता है। उसी के कारण हमारे मोबाइल जो है वो हैंग चलने लगता है। हम जिस ऐप को जितना यूज़ करते हैं उतना उसका स्टोरेज मोबाइल में बढ़ता जाता है और कुछ दिन के बाद पूरे फुल हो जाता है वो स्टोरेज। इसी तरह हम और ऐप को भी, जैसे कि ये ऐप पर क्लिक किए, इसको भी क्लियर चेक पर क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे, इसका भी डाटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद और बहुत सारा ऐप है, इसी तरह से आप हर ऐप पर क्लिक करके उसका डाटा क्लियर कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल बहुत फास्ट चलने लगेगा और स्टोरेज भी खाली हो जाएगा, जिससे आपका मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा। इसे भी हम क्लियर डाटा करेंगे, क्लियर ऑल डाटा करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। इसी तरह से आप अपना मोबाइल का हर ऐप्स का डाटा क्लियर कर सकते हैं। ये था दो नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद बताऊंगा नंबर तीन का टिप्स ट्रिक। उसके लिए हमें ओपन करना होगा प्ले स्टोर को। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हुआ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में थ्री लाइन है, इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं सेटिंग है, हम सेटिंग पर करेंगे क्लिक।
सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर फर्स्ट में देख सकते हैं जनरल है, जनरल के नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट में अपडेट है, यहां पर लिखा है नोटिफाई व्हेन अपडेट्स फॉर योर एप्स आर अवेलेबल। क्लिक इसमें हुआ है मतलब ये ओपन है, हम इसको कर देंगे ऑफ। इसको ऑफ करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जब हमारा मोबाइल में ऐप्स को अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन आने के साथ ही हमारा ऐप जो है वो अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने लगेगा, हमारा मोबाइल का स्टोरेज बहुत ज़्यादा ख़त्म होगा और हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए हम इसको कर देंगे ऑफ। उसके बाद फिर जाएंगे बैक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवर वाईफाई ओनली जो मेरा में सिलेक्ट है, इसको आपको क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे डन। इससे क्या होगा, जब आपका मोबाइल में जो भी ऐप है उसका अपडेट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो ऑटोमेटिक, अब जब आप डाटा यूज करें, जब आप डाटा ऑन करेंगे तो वो ऐप ऑटोमेटिक अपडेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका डाटा भी ज़्यादा यूज होगा और आपका स्टोरेज भी ज़्यादा फुल हो जाएगा। इसे आपको कर देना है ऑफ, जिससे कोई भी ऐप का जब अपडेट का टाइम आएगा तो वो अब खुद ही से ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, जब आप चाहेंगे तब उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है थीम, थीम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर है सिस्टम डिफ़ॉल्ट डार्क और लाइट, आपको क्या करना है डार्क पर क्लिक कर देना है। डार्क पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इससे क्या होगा, डार्क करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो कम लाइट प्रजेंट करेगा, जिससे आपका बैटरी ज़्यादा टिक पाएगा, इससे आपका बैटरी भी ज़्यादा टिकेगा और स्क्रीन का रिफ्लेक्शन आपके आंखों पर कम होगा। इससे दो फायदे हो सकता है। ये थे हमारे तीन टिप्स ट्रिक, जिससे आप अपने मोबाइल का स्टोरेज खाली कर सकते हैं और अपने मोबाइल को फास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।